नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज। आजाद बिहार न्यूज से मैं मिट्टू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड के पुपरी नगर परिषद पंचायत में। और अभी हमारे साथ रूबरू है भावी वार्ड परिषद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ सवाल के साथ हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको आजाद बिहार न्यूज में, आप अपना पूरा परिचय रखिए। सबसे पहले तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद मारूफ खान बबलू है। मैं पुपरी नगर परिषद अभी गांव से हूँ और अभी मैं लोगों के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जीत होगी। आप अपना राजनीति परिचय दीजिए। मैं पॉलिटिक्स में पहले से नहीं, लोगों के कहने पर इस बार पहली बार आ रहा हूँ। और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य को लेकर के आप अपना कदम राजनीति में बढ़ाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम तो यहाँ हमारे पहले मुखिया थे, हमारे लोग हम लोगों के रोड का नाला का कभी कुछ विकास नहीं हो पाया। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत दौड़े मुखिया के पास, लोगों के पास, कोई सुना नहीं, कुछ नहीं किया। उसके लास्ट में सब लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा कीजिए, आप खुद आ जाइए, तभी कुछ विकास हो पाएगा। विकास को लेकर के आप इस राजनीति में अपना कदम बढ़ाएं। अभी जब जाते हैं आप अपने वार्ड में, इस नगर परिषद में जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्या क्या समस्याएं नजर आते हैं? समस्याएं तो बहुत कुछ है, रोड है, नाला है, कचरा है, लोगों में एक मतलब मुझे देख करके उम्मीद जगी है कि चलो ये आया है तो कुछ करेगा। देखिए, चुनाव के समय बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, नेताओं होते हैं जो बहुत सारे वादे करते हैं, वही चुनाव चयनित हो जाने के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं, उसमें से अभी वैसा निकल गया तो ये तो बात की बात है, वो देखा जाएगा, लोग खुद बताएंगे कि मैं कैसा हूँ। और अगर नहीं किया तो सिर्फ 5 साल ही मौका मिलता है, 5 साल के बाद मुझे लोग हटा देंगे। अगर मैंने किया तो फिर आगे फ्यूचर है, आगे देखा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, कैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करें इस वार्ड पार्षद पर? देखिए, मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी को भी आप लीजिए, ऐसे को लीजिए जो काम करने वाला हो, यंग हो। पहले वाले नेता लोगों को थोड़ा सा दूर रखें क्योंकि वो लोग खाने वाले हैं और खाने वाले से आप लोग दूर रहें। काम करने वाले बंदों को लीजिए, जो किसी का भी काम करे, किसी भी वार्ड का काम करे, किसी भी देश का, विदेश का, कहीं का कोई भी काम, सब कोई भी समस्या हो जनताओं के साथ धरातल पे खड़ा, उनको 24 घंटा उनके हित में काम करे। अभी रमजान का महीना चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? रमजान का महीना है, सभी को मुबारकबाद रमजान का। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, वो रोज़ा रखें, अल्लाह से दुआ करें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे जीत दिया। नवरात्रि भी स्टार्ट है और चैत्र पूजा भी, चैत्री छठ पूजा भी 2-3 दिन बाद है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और भाई जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है उस पूजे के लिए। और सब को एक रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि आप लोग भी खुश रहें और मेरे लिए भी आशीर्वाद का। चलिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ रूबरू थे पुपरी नगर परिषद से भावी वार्ड पार्षद के उम्मीदवार, और इनका साफ शब्दों में कहना है, मैं प्रथम बार इस राजनीति में अपना कदम बढ़ाया, यदि मैं चुनाव जीत करके आता हूँ तो जो भी समस्याएं मेरे इस वार्ड में है मैं उस पर कार्य करूंगा। देखते रहे आजाद बिहार न्यूज। जय हिंद, जय भारत।